जिसमें यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, उतना भीड़ रहता है। हाँ, बहुत भीड़ रहता है। अच्छा जी, मौसम का हिसाब है, मौसम भी कभी खराब है तो कभी अच्छा है। हाँ। मई जून और जुलाई का 3 महीने का सीजन होता है। मतलब खाने से ज्यादा मेरा मन कर रहा है कि हम बाहर ही देखते रहे और इंजॉय करें ये व्यू को, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ये तो कन्फर्म है। तो हाँ जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, और मैं आ चुका हूँ मसूरी में। और मसूरी में आने का रीज़न है कि यहाँ की वादियों को तो एक्सप्लोर करना ही करना है, ऊपर से यहाँ पे जो खाने पीने ना, यहाँ के जो स्ट्रीट फूड होते हैं और जो यहाँ के 100 साल पुराने और जो अंग्रेज़ों के ज़माने के खाने हैं ना, वो भी एक्सप्लोर करना है। तो अभी मैं रुका हूँ एक होटल के पास, मैं इसका भी डिटेल्स आपको बता दूंगा सारा कुछ, मैं कहाँ रुका हूँ, क्या एड्रेस है और क्या कुछ है। एक बार मैं आपको ना यहाँ का वादियाँ दिखाता हूँ। ये देखो सामने देख रहे हो, वाओ, मतलब ये यार क्या ही बोला जाए इसके बारे में। तो मसूरी अभी हम लोग सितंबर के लास्ट में आए हुए हैं और इस टाइम ना इतना सही, यहाँ पे भी सुबह बारिश का मौसम था और अभी जस्ट अभी धूप हो गया। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारा भाई सुबह का नाश्ता क्या होता है वो देखते हैं, और पहले तो हम चाय पियेंगे क्योंकि मुझे चाय पीना, अभी तक सुबह से हम आए यहाँ पर चाय नहीं पिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये ट्रिप, और बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहना लास्ट तक और देखना कैसे मज़ा आता है। तो अभी हम लोग हैं कैंपटी फॉल के पास, मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। और अभी हम यहाँ पर रुके कुछ खाने पीने के लिए, कुछ नाश्ते के लिए, सुबह सुबह का समय है। और मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँ तो ये मेरा पीछे जो व्यू दिख रहा है, ये पूरा कैंपटी फॉल का ऊपर का नज़ारा है। यहाँ से 3 किलोमीटर हम लोग चलेंगे तो नीचे चले जाएंगे। और जब तक मैं यहाँ पे एक ढाबा के पास रुका हूँ, ढाबा पे आपको बहुत सारे मतलब नाश्ता के आइटम है, जब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत शांत है यार, एक तरीका से आप देख सकते हो। ये देखो इनका मेन्यू कार्ड है, अच्छा ये चिपका हुआ है, ये आप देखो ये मेन्यू कार्ड है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया चाय और यहाँ पे पराठा और मैगी। अंकल जी से मैंने पूछा बताओ सुबह के नाश्ते में क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया चाय पराठा मैगी आप कर लो, वो आपको बेस्ट मिलेगा। बट एक चीज़ है ना, यहाँ पे खाना तो है इम्पोर्टेंट, बट ये जो नज़ारा है ना, ये देखो वो रहा कैंपटी फॉल, वहाँ से ना पूरा फॉल गिर रहा है। हम लोग वहाँ भी नीचे जाएंगे, और अभी ऑफ सीजन है तो इसके चलते भी लोग कम दिख रहे हैं यहाँ पे। अंकल जी पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मिंटू। मिंटू, तो अभी मैं जिस ढाबा बोल सकते हैं वहाँ रुका हूँ, और वहाँ पे कुछ खाने के लिए रुका हूँ। द नाइस व्यू करके इनका ये ढाबा ना, यहाँ पे क्या क्या मिलता है वैसे? हमारे यहाँ जो खाने की क्वालिटी है हमारे यहाँ अच्छी मिलेगी आपको। अच्छा, शाही पनीर है, मटर पनीर है, पालक पनीर है, मिक्स वेज है, पराठे मिक्स मिल जाएंगे, हर तरह के पराठे मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी के पराठे मिलेंगे। कहाँ पे होगा एक लोकेशन बता देना, कि लोग अगर आते हैं मसूरी घूमने के लिए तो आपका कहाँ पड़ता है लोकेशन? ये सामने क्या कहते हैं, छतरी बैंड है। अच्छा, छतरी बैंड। हाँ, छतरी बैंड से थोड़ा सा आगे आना है, दो होटल है। एक होटल छोड़ के दूसरा होटल ये है, जबर भाई के नाम से मशहूर है। जबर भाई के नाम, जबर भाई किसका नाम है? वो सामने मालिक है। अच्छा, वो है। अच्छा, तो अभी मैंने ऑर्डर किया चाय पराठा और मैगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्यों, मतलब स्पेशल यहाँ का कुछ ऐसा मेन? सिर्फ ये यहाँ पे झरना है जहाँ पे लोग नहाने धोने के लिए आते हैं नीचे, जो सामने कैंपटी फॉल है। हाँ, ये है। बाकी अच्छा, इसके बारे में बताना, कैंपटी फॉल मतलब ये बहुत स्टार्टिंग से यही है क्या यहाँ पे? ये तो काफी सालों से है, इसका तो ये नहीं पता पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। अच्छा, ये यानी आप नीचे जाओगे नहाओगे अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, और अभी और लग रहा है ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में लोग कम आते हैं ना? हाँ, ऑफ सीजन में तो यह है कि लोग बस अपना थोड़ा टाइम पास कर लिया। अच्छा, थोड़ा घूम फिर लिया बस। ऐसे ये असली जो सीजन है मई जून और जुलाई का 3 महीने का सीजन होता है, जिसमें यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, उतना भीड़ रहता है। हाँ, बहुत भीड़ रहता है। अच्छा जी, तो अंकल जी का यहाँ पे हमको नंबर भी दे देंगे आप, या मेन्यू कार्ड, हाँ सारा कुछ दे देंगे। अब जब भी इस रूट में आना तो एक बार जरूर ट्राई करना, हमने लिया है, टेस्ट करते हैं और बताते हैं। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे मैगी, जो इसका रेट है नॉर्मल मैगी, मैंने प्लेन मैगी ऑर्डर किया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहता हूँ, तो प्लेन मैगी मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे। ये 50 का है जो नॉर्मल प्राइस होता है। और हमारा चाय भी आ चुका है। चाय का अंकल कितना प्राइस रहता है? 20 रुपये। 20 ना? अच्छा, एक चाय का 20 रुपये। ये है चाय, हमारा चाय भी है, मैगी भी है, पराठा भी है, और ये सारा चीज़ तो है ही। इसके साथ यहाँ जो नज़ारा आपको मिलेगा ना यहाँ से देखने का, ये देखो आप बाहर, मतलब यहाँ से कैंपटी फॉल दिख रहा है, ये वादियाँ देखो भाई, हरा हरा वादियाँ हैं। मतलब खाने से ज़्यादा मेरा मन कर रहा है कि हम बाहर ही देखते रहे, एंजॉय करें ये व्यू को, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ये तो कन्फर्म है। घर का खुद का? गांव का। अच्छा जी, तो ये गांव का मक्खन जो होता है, अंकल जी ने हमें ये दिया कि आप इसे टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ। तो भाई चलो पहले हम साइड करते ये सब, अचार भी यहाँ पे, पराठा भी, मिक्स पराठा मैंने ऑर्डर किया। चाय और पराठा मिल जाए ना तो दिन बन जाता है, ये तो है। तो यहाँ पे स्पेशली आप मक्खन देखो, एकदम घर का मक्खन, एकदम से पराठा मिक्स करो, ये रहा। कोई जवाब नहीं, लाजवाब, मतलब जो बोलते हैं ना, फीलिंग देखो आप इसके अंदर, एक बार देखो आप दिखा रहे हो, ये देखो मिक्स पराठा है, ये ना सारा कुछ इसमें फिलिंग किया हुआ है, मतलब सारा कुछ A to Z, और सामने भी फ्रेश बना एकदम,
ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है और इसका प्राइस भी नॉर्मल सा है, शायद ये 60 का पड़ने वाला, 60 का ये पराठा है। ठीक है, तो मक्खन के साथ हम इसको टेस्ट कर लिया। अब दूसरा चीज़, हमने मैगी ऑर्डर किया, प्लेन मैगी है, देखते क्या खास है। मैगी नॉर्मल है जो हर जगह मिलता, बट इसके लिए आप एक बार ज़रूर आना, ये पराठा बनता है। ठीक है, लास्ट चाय, सुबह से चाय नहीं पिया था यार, चाय पीने का तलब था, और इस वादियों में बैठ के चाय पीना ना, आप समझ सकते हो। बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे, मन कर रहा होगा आने का, आना एक बार, मैं यहाँ का सारा कुछ आपको दे दूंगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन। और बहुत जगह आपने रेस्टोरेंट में खाया होगा, ये खाया होगा, बट ये जो नज़ारा है ना आपको सामने दिख रहा है, और उसके साथ फॉल भी है, चाय भी है, चाय भी चाहिए, इलायची का, अदरक का, ये सब मिक्स करके बनाया हुआ चाय, ये 20 का चाय होने वाला, चाय की क्वांटिटी भी अच्छी है, ये देखो आप, तो ये नज़ारा है यहाँ पे। तो आगे इसी तरह बहुत सारी चीज़ हम लोग खाने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे, और ना कैंप्टी फॉल भी नीचे जाएंगे हम लोग, कैंप्टी फॉल का भी दिखाएंगे, वहाँ का नज़ारा क्या है, कैसा है। ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, ये मैंने ब्लॉग रॉ बनाया, इसमें कोई ऐसा मेकिंग नहीं दिखाना है या कुछ वैसा नहीं दिखाना, ये नॉर्मल ब्लॉग है। तो चलो आगे चलते, आपको दिखाते और। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, अभी कैंप्टी फॉल हमने फर्स्ट डिसाइड किया है कि फर्स्ट लोकेशन कैंप्टी फॉल जाते हैं, और उस रास्ते के बीच में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, हल्का धूप है और आप हरी हरी वादियाँ आप देख सकते हो, मतलब बारिश का सीज़न है, सितंबर है, और सितंबर के सीज़न में ये हाल है यहाँ का, तो मतलब ना बारिश हो रहा है, ना ज़्यादा ठंडा, ना गर्मी, मतलब परफेक्ट टाइम है घूमने का। चलो आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। तो बात करें, हम कैंप्टी फॉल के रास्ते में जाते हैं तो ऊपर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे शॉपिंग करने के आइटम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे देखा एक यहाँ का मसूरी का जो होता है जिसे कवर किया गया, वो हो गया, फिर मेटल का एक बाइक होता है, वो मतलब शॉपिंग करने के पर्पज़ से आप हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे 200 या 250 सीढ़ी नीचे आप जाते हो मिल जाएगा, बाकी आप वैसे रोपवे से जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो। बात करें फॉल की, तो यहाँ पे आपको फॉल का बहुत ही चिल्ड, मतलब बहुत ही ठंडा वाटर है, तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पे आए हूँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करता हूँ, तो मैं जाता हूँ, बट ठंडा सच में बहुत है। आप कभी भी जाओ, ऑफ सीजन जाओ चाहे ऐसे जाओ, तो आपको यहाँ पे ऐसे ऑफ सीजन में भीड़ बहुत कम है, तो ऐसे यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं मिलता। बाकी यहाँ का क्लाइमेट बहुत सही है। तो हम जी नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से निकल कर कुछ दूर के बाद हम यहाँ पे डलाई हिल पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको मिल जाएगा बाहर बहुत सारे, मतलब कि स्ट्रीट फूड, जैसे भेलपूड़ी हो गया, यहाँ पे जूस मिल जाए, तो मैंने यहाँ पे टेस्टी सा एक भेलपूड़ी बनवाया जो कि 50 का प्लेट था, और काफ़ी प्यारा सा इनका मतलब बनाने का तरीका था, बात करने का तरीका, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया हमारे माइक में, तो इसलिए मैं सोचा कि पीछे से आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्या है। बाकी इनका टेस्ट और इनका जो यहाँ का मतलब खिलाने का अंदाज़ है वो बहुत ही प्यारा है। और बात करूँ ना, तो इनसे इन ये पार्ट टाइम ये भी कर रहे हैं और साथ में अपना ये साइड में ये भी लेके चल रहे हैं, बाकी टेस्ट वाइज और यहाँ क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 50 में आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर अगर डलाई हिल आते हो तो जैसे आप ऊपर चढ़ने जाओगे वैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा डलाई हिल, एकदम साइड में ही कॉर्नर में आपको ये दुकान मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे आइटम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखे मिक्सचर, सेब है, और बाकी बादाम हो गए, फिर झालमुड़ी हो गए, फिर नींबू है, मतलब जूस के वैरायटी है, और मौसमी है, तो इतने सारे वैरायटी, फिर उसे डाल के अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उससे आपको अपने तरीके से आप उसे जो मसाले डलवाने वो डलवा सकते हो। मैंने बोला हल्का चटपटा सा बनाने, क्योंकि थोड़ा सा मतलब खाया जाए थोड़ा चटपटा, तो इसके चलते इन्होंने थोड़ा सा स्पाइसीस के लिए थोड़ा सा सॉस डाला, तो इसको ये अच्छे से मिक्स करेंगे। और बात करें इनका, यहाँ पे ना मौसम हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब ये मौसम हमेशा ठंड सा ही रहता है, तो इनके लिए तो नॉर्मल है, बट आप जाओगे तो यहाँ पर ठंड का माहौल रहेगा, तो इसलिए आप अपने साइड से मतलब स्वेटर, जैकेट या जो भी है वुलन का वो आप ले के जाना, बाकी ये अपने हिसाब से आपको अच्छे से बना के देंगे, सर्व करके देंगे। तो ये हो गया इनका रेडी। 50 में आपको मतलब 50 में अच्छे खासे क्वांटिटी मिल जाएंगे, तो 50 का ये प्लेट है जो कि ये अपने तरीके से सर्व करके देते हैं। तो ये मैंने देखो यहाँ पे अगल बगल जूस के वैरायटी हो गए, यहाँ पे प्लेट हो गए, एक प्लेट इनका हो गया, तो इसमें आपको दिख जाएंगे वो सेब होते हैं, मटर होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, वो सारे आइटम हैं, और स्पून के साथ, तो ये अपने मम्मी के साथ यहाँ पे लगे रहते हैं, मतलब वो हेल्प भी करते हैं और एक तरीका से बोलो ये चलाते भी हैं। तो बाकी मैं इसे टेस्ट करता हूँ, टेस्ट वाइज और दिखने वाइज तो मेरे को बहुत सही लग रहा है, टेम्पटिंग सा, बट इसे टेस्ट करके मैं बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बात करूँ यहाँ पे, टेस्ट तो मैं करूँगा ही, बट इनका बात करने का और इनका नेचर बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पे बात तो किया था बहुत अच्छे से, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया भी था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो मैं जब एडिट करने बैठा तब मेरे को दिखा कि भाई यहाँ का आवाज़ तो आ ही नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि चलो जो वहाँ मैं फील करूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो बात करूँ यहाँ पे टेस्ट की, तो आपको दिख जाएगा एक प्लेट अच्छा सा दिया जाता है, ये आपको नॉर्मल हर जगह मिल जाएंगे, बट यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा माहौल अलग है, थोड़ा सा मौसम अलग है,
ठंड सा मौसम है या जो भी आप नॉर्मल स्ट्रीट फूड कवर करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी रेस्टोरेंट भी मैंने कवर किया, आगे आपको इसके जस्ट थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट जहाँ के बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। वेज नॉन वेज बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रिंक के ऑप्शन है, वो भी बहुत अच्छे लोकेशन पे। तो बस आपको कुछ देर में वो लोकेशन भी दिख जाएगा कि कहाँ मैं बैठ के रेस्टोरेंट है वो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे आइटम खाया। बात करो इसकी तो इसकी टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हम लोग प्राइस वाइज और ऐसे आ रहे हैं, वहाँ का आपने नज़ारा देखा काफ़ी सही है। और उसके बाद थोड़ा थक जाने के बाद, क्योंकि थोड़ा 200 या 300 सीढ़ी है वहाँ पे ऊपर, या 200 300 मीटर ऊपर जाने के लिए फिर वापस आना। पीछे का वेदर देख के आपको लग रहा होगा बारिश भी हो रहा है और कुहासा जो बादल होते हैं ना वैसे एकदम पूरा छाए हुए। और अभी हम लोग हैं सेवेंच कैफ़े है यहाँ पे एक वो कैफ़े के पास, और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है कॉफ़ी। ये देखो आप, ये कॉफ़ी है। और एक चीज़ मैंने और ऑर्डर किया है जो थोड़ा सा पी गया, वो लस्सी है। तो थोड़ा ठंड था तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। कॉफ़ी टेस्ट करते कैसा है? सही है लिटरली, मतलब अभी के मौसम में ना चाय कॉफ़ी हो जाए ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट कॉफ़ी बहुत ही सही है। इसका प्राइस 60 है, तो मतलब जेन्युइन प्राइस है, प्राइस आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। और ये हमारा आइटम आ गया सैंडविच, चिकन सैंडविच ऑर्डर किया था मैंने, चिकन सैंडविच भी आ गया। तो कॉफ़ी और लस्सी को करते साइड, थोड़ा चिकन सैंडविच देख लो इसमें। ये देखो भाई, इसमें ना सैंडविच का फीलिंग है पूरा अच्छे से चीज़ के साथ। तो ये है चिकन सैंडविच, टेस्ट करते हैं कैसा इसका टेस्ट है। चीज़, चिकन और कुछ वेजेस भी है। टेस्ट काफ़ी इन्हांस कर रहा है, सही टेस्ट चाहिए। टेस्ट तो है ही, ऊपर से जो ये यहाँ पे जो हमने बैठा है ना, और अगल बगल का जो व्यू है ना काफ़ी सही है यार। मतलब एक तो शांत, और ऊपर से जब आप यहाँ घूमने आओगे ना तो आपको यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करना या हल्का फुल्का कुछ खाना, क्योंकि ट्रैकिंग करना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा चढ़ना पड़ता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं इसे इन्जॉय करता हूँ। कॉफ़ी भी है, ये भी है। बेस्ट बजट कैफ़े आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, दिखाते हैं और कुछ नया। अभी हम लोग जस्ट कैंपटी फॉल से वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। देखो आप इधर देखो मेरे साइड, मतलब आने टाइम पूरा रोड दिख रहा था और कुछ नहीं पता चल रहा था। यहाँ पे मतलब एक मिनट में पूरा बारिश भी हो जाता है, एक मिनट में आप देख रहे हो पूरा बादल घेर लिया है। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे और कुहासा तो इधर है ही, आपको पीछे मेरा कुहासा दिख रहा होगा पूरा। और यहाँ पे भुट्टा हो गया, मैगी हो गया, ये सब मिलते रहता है। अंकल जी आप हमेशा यहीं लगाते हो ना? अच्छा, तभी आप देख लो हम लोग भुट्टा यहाँ पे लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो सामने, इस रास्ते अगर आप आओगे तो जस्ट मंदिर है वहाँ पे। वो मंदिर कौन सा? कौन सा? संतुरा माता। संतुरा माता, अच्छा। यहाँ पे अंकल जी मिल जाए। अंकल जी आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम प्रकाश भट्ट है। प्रकाश भट्ट, अच्छा। अंकल जी यहाँ पे हैं, आपको एकदम अच्छे से बना के भुट्टा जो होता है, ये कितने का रहता है? पचास का रहता है। अच्छा, ऊपर आके थोड़ा महंगा हो जाता है ना ये भुट्टा? हाँ जी, साल में एक ही बार मिलता है। साल में एक ही बार मिलता है और भुट्टे तो मिल जाएंगे, कभी मिल जाएंगे, बारह महीने होते हैं। होता है कि पहचान कुछ होता है ना? पहचान कुछ नहीं है इसका, ये थोड़ा छोटा साइज का होता है जो छोटा साइज लोकल जो है। कभी भी इस रास्ते से आप गुजरोगे तो यहाँ पे भुट्टा जरूर इंजॉय कर।